ठीक है जी। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने सिंपल ये बनाया था, और इसके अंदर हम लोगों ने एक फंक्शनलिटी डाल दी कि हम जब क्लिक करें तो ऐड टू कार्ड होता रहे, ठीक है। बेसिकली हम वो कह रहे हैं कि जब भी इसमें क्लिक करूँ क्या हो रही है, हर एक पे एक स्टेट अपडेट हो रही है जिसकी वजह से वो क्लिक हो रहा है। अब यहाँ पे एक इशू है, इशू ये है कि भाई मुझे ये तो समझ में आ गया कि ऐड टू कार्ड क्लिक पे हो रहा है, लेकिन सबसे पहले यूज़र को पता ही नहीं लग रहा कि भाई ऐड टू कार्ड हो रहा है या नहीं हो रहा, ठीक है। अब उसके मल्टीपल तरीके हैं, या तो आप एक दफ़ा जैसे ऐड टू कार्ड करवा दिए तो आप यहाँ पे इस बटन को डिसेबल कर दें, दोबारा वो ऐड टू कार्ड ना कर पाए, ठीक है। या आप कुछ एक ऐसा एक टैग दे दें कि भाई प्रोडक्ट एडिड सक्सेसफुली, या कोई इस तरीके का एक मैसेज लिखा हो उसके पास आ जाए, कोई इस तरीके का आप यहाँ पर बना दें। सबसे पहले हम उसके ऊपर जाते हैं, अच्छा, लेकिन उससे पहले हम यहाँ पर अपनी जगह राउटिंग को इम्प्लीमेंट करते हैं। अभी तो हमने सिंपल ये प्लेन टैग रखा हुआ है ना, इसको कोई राउटिंग वगैरह नहीं है, सबसे पहले आके राउटिंग को इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है। वो किस तरीके से होगा भाई, यहाँ पर सबसे लाके एक फोल्डर बनेगा राउटर का, ठीक है। इस राउटर के अंदर सिंपल एक फाइल बनेगी, राउटर डॉट जी एस एक्स जी, ठीक है। ये हमारे पास हमारे यहाँ पे आ गई इसका एक कंपोनेंट, ठीक है। अब उसके बाद समझ आया क्या करते हैं, राउट्स, ठीक है। इसको हम सिंपल इंपोर्ट करते हैं यहाँ से। अच्छा, आई थिंक हमने रिएक्ट डॉट हम इंस्टॉल भी नहीं करी हुई शायद, जब भी वो मुझे जो है ना वो इंटेलिजेंस नहीं दे रहा, ठीक है, हमने इंस्टॉल भी नहीं करी हुई। तो हम सिंपल आते हैं, पहले तो हमें इंस्टॉल करनी पड़ेगी रिएक्ट राउटर डॉम। सिंपल आप यहाँ पे आके लिखें रिएक्ट राउटर डॉम npm, ठीक है। आपको सिंपल यहाँ पे कमांड मिल जाएगी इसके इंस्टॉल करने की, npm रिएक्ट राउटर डॉम, ठीक है। सिंपल यहाँ पे आके पेस्ट करें, उसमें यहाँ सिंपल इंस्टॉल कर लें, ठीक है। इंस्टॉल हो गई, आ जाए यहाँ पे, ठीक है, आ गए राउट से, यहाँ से रिएक्ट राउट डॉम से। और इसके अंदर सिंपल क्या होगा, एक सिंगल सिंगल राउट बनेगा यहाँ पे। सबसे पहले बाय डिफॉल्ट क्या होता है, होम पेज होता है, तो पाथ में स्लैश रखा मैंने यहाँ पे, और मैंने कहा भाई क्या करो इसको एलिमेंट में दिखा दो। अच्छा, अभी हम बाय डिफॉल्ट हमारा कौन सा कंपोनेंट चल रहा है, होम चल रहा है, हेडर चल रहा है, और आपका यहाँ पे मेन पे लिस्टिंग चल रहा है, ओके। तो हमें सबसे पहले यहाँ पे इसको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा अभी स्ट्रक्चर अपना। सबसे पहले हम बनाते हैं एक अदद, ठीक है। ये हेडर को यहाँ से पकड़ता हूँ मैं, ठीक है, हो गया आपका सिंपल लेआउट। ठीक है, तो अब राउट के अंदर मैं आता हूँ, मैं यहाँ पे कहता हूँ पाथ के ऊपर सिंपल यहाँ पे एक एलिमेंट जो आएगा ना वो आएगा लेआउट, कैसे होम पेज होगा, लेआउट आएगा, लेआउट मतलब हेडर आएगा, ठीक है। अब इस हेडर के अंदर आके बाय डिफॉल्ट मुझे होम पेज भी दिखाना है, तो एक काम करते हैं राउट के अंदर फिर मुझे करना पड़ेगा इसको ऐसे कि इस लेआउट के अंदर मुझे सारे राउट चाहिए ना, तो इसको हम ऐसे कर देंगे, ठीक है। एक राउट हो जाएगा यहाँ पे, इसके अंदर यहाँ पर एक राउट आएगा, ठीक है। इसको कोई पाथ नहीं देंगे हम, ठीक है, जस्ट यहाँ पे मैं एक इंडेक्स का प्रॉप दे दूँगा, मुझे होम पेज दिखाना है लेआउट के साथ साथ, ठीक है जी। और यहाँ पे मुझे मेरा ये होम पेज दिख जाएगा, सेव करते हैं इसको, कॉपी करा मैंने, ये सारे काम करके आ चुके, तो इसमें ऐसे कन्फ्यूजन अब होनी नहीं चाहिए, ऐसा ही है भाई, सारे काम कर चुके हैं हम ये राउटिंग की क्लासेस के अंदर।
तो यहाँ पे कोई इस तरह कन्फ्यूजन होनी नहीं चाहिए। ठीक है, रिलोड किया मैंने, बाय डिफॉल्ट यहाँ पे आ रहा है होम पेज, लेकिन होम पेज के ऊपर होम तो आ रहा है, लेआउट के अंदर हेडर नहीं कॉल हो रहा है, हेडर भी नहीं कॉल हो रहा। कौन बताएगा, बता दो भाई। आउटलेट के वो के चाइल्ड आउट्स को उठा ही नहीं रहा। भी नहीं हो रहा भाई ये तो। ओके नहीं सही तो है, लेआउट यहाँ पे आ गया हमारा जो आपका मेन है। इसके साथ साथ मैंने कहा भाई होम भी अंडर करवा दो। लेआउट के अंदर रखा हुआ है हेडर, लेकिन ये हेडर दिखा क्यों नहीं रहा मुझे। काम करता हूँ ज़रा, मैं इसको यहाँ से हटाता हूँ। भाई आ कैसे रहा है? ओके ओके सही है। मेन के अंदर आके पहले मुझे क्या लगाना पड़ेगा यहाँ पे? आउटलेट लगाऊंगा। ये तो हाल है तुम लोगों का भैया, अभी पढ़ के आ रहे हो चीज़ें। ठीक है, हेडर आ गया। अब यहाँ पे आते हैं राउटर के अंदर, राउट्स के अंदर मैं क्या कर दूँगा, होम पेज भी दिखाना है मुझे। ठीक है जी, रिलोड किया, आ गया होम पेज भी। तो आपका ये होम का राउट सेट हो गया। अब सिंपल यहाँ पे हेडर के अंदर आते हैं, सॉरी होम में नहीं, हेडर में। अब ये जो मैंने ये एल आई लिखे हैं, मैं क्या लिख दूँगा इनको यहाँ पर? एल आई के अंदर क्या होंगे ये, मुझे एक्टिव दिखाना है यहाँ पर, तो ये क्या हो जाएगा, नैव लिंक होम। और जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँ भाई क्या होगा, यहाँ पे स्लैश पे रहे, ये एक होम है और एक कौन है, कार्ट। सिंपल स्लैश कार्ट बना दिया यहाँ पे, कार्ट। ठीक है जी, बाय डिफॉल्ट एक्टिव कोई क्लास बनी हुई नहीं है, तो यहाँ पे आके सिंपल मैं क्लास बना देता हूँ। कोई सी इसकी फाइल यहाँ पर अगर है तो कोई बात नहीं, हम बना लेते हैं। भाई मैंने कहा जैसे ही अगर एक्टिव हो उसका जो कलर है वो ऑरेंज कर दो, टैग्स डेकोरेशन अंडरलाइन। ठीक है, इंडेक्स मेन में आता हूँ, इंपोर्ट कर दो भाई। अच्छा उसको शायद मिल नहीं रही, तो अच्छा एस भी बाहर बनी हुई है, एसआरसी के अंदर लाओ उसको। ठीक है जी, होम हो गया और कार्ट पे कुछ है ही नहीं, सही है। तो होम पे सिंपल आपका यहाँ पे ये इस तरीके से आ गया। तो अब सबसे पहले कार्ट का भी पेज बना लेते हैं। यहाँ तक कोई सवाल किसी को? जी वो सारी आई थिंक वही चीज़ें जो अभी तक हम करके आ चुके हैं। रेहान समझ में आ रहा है?
कॉपी करो भाई, आ जाओ यहाँ राउटर की फाइल के अंदर, और एक और राउट बनेगा यहाँ पे जिसका पाथ होगा स्लैश कार्ड, कार्ड होम, कार्ड होम, ठीक है जी। एनी कन्फ्यूजन? ओके जी, अब सिंपल क्या करना है, जैसे ही मैं ऐड टू कार्ड करूँगा भाई, एक तो मुझे इसको बटन को कोई ऐसा टैग दिखाना है कि ताकि मैं समझ में आए कि प्रोडक्ट ऐड टू कार्ड हो गया है या नहीं हो गया, ठीक है, एक काम तो ये करना है। और दूसरा, कार्ड पेज के ऊपर जो आइटम कार्ड कर रहा हूँ उसका मुझे डेटा भी दिखाना है। देखिए, सबसे उससे पहले एक और चीज़ इम्प्लीमेंट करते हैं, मैं जाता हूँ ज़रा मेरे अपने होम पेज के ऊपर, प्रोडक्ट लिस्टिंग के ऊपर मैंने यहाँ पे क्या करी हुई, API कॉल करी हुई। एक चीज़ याद रख लें, कभी भी कॉम्पोनेंट के अंदर ना आप इस तरीके से API कॉलिंग के लिए फंक्शन क्रिएट नहीं करते, ये अच्छी प्रैक्टिस नहीं होती। आपके जितने भी फंक्शन हैं, क्योंकि देखें ये मुझे, मैंने प्रोडक्ट लिस्टिंग के अंदर API का फंक्शन बनाया हुआ, मुझे इसकी नीड कहीं और ही पड़ सकती है किसी सिनेरियो के अंदर, कि दूसरे कॉम्पोनेंट में इसको यूज़ करना पड़ सकता है। तो बेहतर ही होता है कि आप इस सारे फंक्शंस को ग्लोबल रखें। अब ग्लोबल या तो कॉन्टेक्स्ट API में रख लें या फिर रिडक्स यूज़ करें तो वहाँ रख लें। सबसे पहले इसको रीफैक्टर करते हैं ज़रा, ये पूरा का पूरा फंक्शन मुझे यहाँ पे नहीं चाहिए, इसको यहाँ से कट करा मैंने, आया अपने कॉन्टेक्स्ट के अंदर, ठीक है, ये कॉन्टेक्स्ट में ऐड टू कार्ड का फंक्शन पड़ा हुआ है और एक ये ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है। मैं सिंपल यहाँ पे आऊँगा, इस फंक्शन को मैंने यहाँ फेंक दिया। अब यहाँ मुझे स्टेट भी चाहिए भाई, तो कार्ड आइटम्स की और लोडिंग की स्टेट यहाँ से उठा के यहाँ ले जाओ, ठीक है। अब मैं क्या क्या यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे, बेसिकली मैं ऑल प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। जी अच्छा, एक तो मैं यहाँ पे इस लोडिंग उठा रहा हूँ, ये कार आइटम्स कहाँ यूज़ कर रहा हूँ मैं, कहीं नहीं हो रही, तो ये बनाई किसने भाई, ये तो बनी हुई यूज़ ही नहीं हो रही कहीं, आई थिंक ये यहाँ चल रही होगी, कार आइटम्स को बनाई थी, इसका तो यूज़ ही नहीं है। चलो खैर, देखते हैं इसको, इस लोडिंग है भाई, सिंपल इसको यहाँ से पकड़ूंगा और बोलूँगा भाई इसको यहाँ भेज दो, ठीक है। तो इस लोडिंग वाला काम तो ख़त्म हो गया, सॉरी ये तो रहेगा यहाँ पर। दूसरा यहाँ पे सेट ऑल प्रोडक्ट्स, तो ऑल प्रोडक्ट्स वाली जो स्टेट है वो भी वहीं आएगी, कट करो भाई इसको, ठीक है। और यहाँ से ऑल प्रोडक्ट्स भी मुझे वहाँ चाहिए, ठीक है भाई। अब सिंपल क्या करूँगा भाई, सबको उठाने के लिए कॉन्स्ट डिस्ट्रक्चर किया यहाँ पे, अच्छा यूज़ प्रोडक्ट मेरा आई थिंक होके कोई जो मेरे प्रोडक्ट कॉन्टेक्स्ट को फैच कर रहा है, ठीक है। तो ऑलरेडी यहाँ यूज़ प्रोडक्ट निकाला हुआ है मैंने, इसी के अंदर मैं क्या करूँगा, उठा लूँगा एड टू कार्ट, इसके अलावा मुझे इस लोडिंग चाहिए यहाँ पे, मुझे ऑल प्रोडक्ट्स चाहिए यहाँ पे, ठीक है जी। पहले चेक करते हैं कि एग्जिस्टिंग फंक्शनैलिटी हमारी जो बिगड़ तो नहीं रही, मैंने फंक्शन को रिमूव किया यहाँ से, और फंक्शन कॉल नीदर ही होगा, सही है। फंक्शन आपका जो कॉल है उसको आपने उसी जगह पे करवाना है जहाँ पे उसकी नीड है, कॉन्टेक्स्ट API में फंक्शन कॉल नहीं करेंगे। चीज़ें बिगड़ी हैं भाई, पता था बिगड़ेंगे कुछ ना कुछ। फैच प्रोडक्ट इज़ नॉट डिफाइंड, ओके, मुझे फैच प्रोडक्ट का फंक्शन भी चाहिए होगा भाई, जाहिर सी बात है। ठीक है जी, तो आगे प्रॉपर डेटा, तो एक तो ये चीज़ हमने सारे सही कर दी यहाँ से, कभी कि आपकी स्टेट्स वगैरह आपकी ग्लोबल चीज़ें सारी कॉन्टेक्स्ट API में होनी चाहिए, आपके कॉम्पोनेंट में नहीं होगा कुछ भी, कॉम्पोनेंट में सिर्फ वैसे JSX होगा, छोटी मोटी ये बिजनेस लॉजिक होगी जैसे आपने जो चीज़ें दिखानी है उसके हिसाब से, बस दैट्स इट। अच्छा भाई, अब सिंपल आता है यहाँ पर भाई, जैसे ही मैंने यहाँ पे फॉर्म यानी कि ऐड टू कार्ट किया, तो ये फंक्शन कॉल हो रहा है ऐड टू कार्ट का, इसके अंदर ज़रा जाते हैं अगर ऐड टू कार्ट के अंदर, तो ऐड टू कार्ट का फंक्शन ये रहा,
ये क्या कह रहा है भाई, इस कार्ड के स्टेट को अपडेट कर दो। ठीक है, अच्छा इनिशियली अभी एक स्टेट बनाते हैं, कॉन्स्ट, चले इसको बाद में देखते हैं, जो हमने हमें इसको प्रोडक्ट का देखना है इसको हम बाद में देखते हैं। सबसे पहले हम एक काम ही करते हैं कि जो ऐड टू कार्ट हो गए हैं, लट से मैंने इन दोनों को ऐड टू कार्ट कर दिया, ये मुझे यहाँ देखने चाहिए कार्ड पेज के ऊपर। ठीक है, ये वाला काम कैसे होगा, सबसे पहले यहाँ पे मैं इधर ही प्रोडक्ट का जो मैंने कॉन्टेक्ट बनाया इसी के अंदर मैं सिंपल आता हूँ। यहाँ पे एक स्टेट बनेगी कॉन्स्ट एरे, जिसका नाम होगा कार्ड आइटम्स कॉमा सेट कार्ड आइटम्स, जो आइटम हमने कार्ड कर लिए हैं। बाय डिफॉल्ट कुछ भी कार्ड नहीं है। अब जैसे ही कोई मैं ऐड टू कार्ड करूँगा किसी प्रोडक्ट को, तो इस ऐड टू कार्ड के ऊपर कार्ड में वैल्यू अपडेट होगी, लेकिन उसके लिए मुझे यहाँ पे उस पूरी की पूरी प्रोडक्ट का मिलना ज़रूरी है। ऐसा ही है, अगर मुझे पूरी की पूरी प्रोडक्ट मिलेगी तो फिर मैं इस तरीके से सेट कार्ड आइटम्स के अंदर मैं बोलूँगा भाई एक न्यू एरे बनाओ, जो पुरानी प्रोडक्ट्स हैं वो भी रखो और उसके बाद जो ये ऊपर से नई प्रोडक्ट आ रही है वो भी रख दो। समझ में आया कोड क्या किया मैंने, किस किस की लाइन समझ में नहीं आई? अब बस इसको छोड़ें, यहाँ प्रोडक्ट कैसे मिलेगा अभी हम सपोज कर लेते हैं कि यहाँ मुझे किस तरीके से मेरा जो प्रोडक्ट ऐड टू कार्ट किया है मुझे मिल गया, उस प्रोडक्ट का ऑब्जेक्ट मुझे मिल गया है। उसके बाद मैंने देखिए क्या किया, मैंने बोला भाई क्या करो, एक न्यू एरे बनाओ इस कार्ड, इस गार्डन का एक न्यू एरे बनेगी, इसके अंदर जो पुराने प्रोडक्ट्स हैं सारे वो निकालो और एक नया वाला प्रोडक्ट ऐड कर दो। अगर देखें डायरेक्टली करूँगा तो क्या होगा, पुराने वाले सारे ओवर ऐड हो गए, नया वाला ऐड हो जाएगा। मुझे पुराने भी चाहिए नया वाला भी चाहिए, ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसी है। अब ज़रा देखते हैं भाई प्रोडक्ट यहाँ पहुँचाएँ कैसे। देखिए सबसे पहले चेक कर लें ऐड टू कार्ड कॉल कहाँ हो रहा है, ऐड टू कार्ड कॉल हो रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पे इसको ऐड टू कार्ट को इस तरीके से कॉल करने के बजाय ऐसे कॉल करते हैं, और यहाँ पे आपको पता है ये इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे आपका सारा घुलू घूम रहा है, तो इसी को आप यहाँ पे क्या भेज दें, एज अ आर्ग्यूमेंट भेज दें। अब आपको वही प्रोडक्ट रिसीव होगा जिसमें ऐड टू कार्ट करेंगे या नहीं, रिसीव होगा भाई। तो जब मैंने ऐड टू कार्ट किया वो प्रोडक्ट मैंने भिजवा दिया, उसको मैंने यहाँ पे रिसीव कर लिया। अब जब यहाँ उसको मैंने कॉन्टेक्स्ट में रिसीव कर लिया तो मैंने कहा भाई कार्ट में भिजवा दो। अब इसका मतलब ये कार्ट वाली जो स्टेट है उसके अंदर मेरा डेटा जा चुका है। अब मैं आता हूँ अपने कार्ट पेज के ऊपर, जैसे ही कार्ट पेज के ऊपर आया मैंने कहा मुझे, मैं चाह रहा हूँ जैसे ही मैं कार्ट पेज खोलूँ फ़ौरन से वो सारे प्रोडक्ट्स मुझे दिख जाएँ, लिस्ट होकर दिख जाएँ मुझे, जो जो के कार्ट करें यूज़र ने। तो वो कैसे मिलेंगे, सबसे पहले यहाँ पे आके मैं एक हुक यूज़ करूँगा, यूज़ प्रोडक्ट, यहाँ से मुझे कार्ड आइटम्स की स्टेट मिल जाएगी। ज़रा कंसोल करते हैं पहले कि क्या कार्ड में आइटम्स आ भी रहे हैं जो मैंने कंसोल करवाए हैं, जो मैंने कार्ड में ऐड करवाए हैं, चेक करते हैं भाई। कंसोल खोल लेता हूँ मैं, देखिए अभी तो कार्ड आइटम्स मैं कुछ भी नहीं पढ़ा हुआ। ये देखो विवेक तुम्हारी वाली बात, कॉन्टेक्स्ट एपीआई में जो भी चीज़ रखी हुई होगी वो चलेगी। देखिए कार्ड आइटम्स के पेज में मैं आया नहीं हूँ जबकि, लेकिन वो चला है, सही है। अच्छा हटा दें भी क्योंकि फर्स्ट टाइम तो कुछ भी नहीं है, तो इसलिए एम्प्टी अनडिफाइन दिखा रहा है मुझे। मैंने इसको ऐड टू कार्ट किया, एक दो तीन, देखें अभी दिखने लगा, लेकिन यहाँ देखें तीन हो चुके हैं। तो अब मुझे ये तीन प्रोडक्ट्स मिलने चाहिए वहाँ पे, अगर मेरी लॉजिक सही चल रही है, यस और नो भाई, यस और नो। मैंने यहाँ पे ये तीन ऐड टू कार्ट करे हैं प्रोडक्ट्स, अब अगर मेरी लॉजिक प्रॉपर वर्क कर रही है तो क्या जब मैं कार्ट पेज पे क्लिक करूँगा तो मुझे वो तीन प्रोडक्ट दिखने चाहिए कंसोल में? अनडिफाइंड आ रहा है, इसका मतलब कुछ मसला हो रहा है। अनडिफाइंड क्यों आ रहा है, इसका मतलब इसमें जा ही नहीं रहा है कार्ट आइटम की स्टेट के अंदर। ओके ऐड टू कार्ट पे सर, तो ये चेक करते हैं क्या मुझे प्रोडक्ट रिसीव हो भी रहा है। अब डीबग करते हैं कोड को अपने,
सेव किया मैंने इसको, और ज़रा मैं ये वाला कंसोल 2 मिनट के लिए बंद कर देता हूँ। रिलोड किया मैंने भाई पेज को, तो मुझे प्रोडक्ट तो रिसीव हो रहा है ऐड टू कार्ट, ठीक है, जो क्लिक कर रहा हूँ मुझे मिल रहा है। अब जो मैंने क्लिक किया मुझे मिल रहा है ऐड टू कार्ट पे, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये यहाँ पे जा रहा है, ठीक है, इस जगह पे आ रहा है। अब मैंने बोला भाई क्या करो, सिंपल सेट कार्ट आइटम्स जो है मेरी स्टेट, उसके अंदर ये प्रोडक्ट डाल दो। तो अब सेट कार्ट आइटम्स में नहीं जा रहा, अगर मैं कंसोल करूं इसको, ओके ओके ओके, कौन बताएगा क्या मसला है विवेक, क्या इशू है, क्यों नहीं मिल रहा मुझे? रेहान, जब मैं यहाँ पे आके इसको कंसोल कर रहा हूँ, कार्ट आइटम्स मुझे क्यों नहीं मिल रहे? हाँ तो कॉन्टेक्स्ट जब मैं कहीं भी जहाँ जाता हूँ एक्सेस कर सकता हूँ, कॉन्टेक्स्ट में तो क्या हुआ, कॉन्टेक्स्ट में है जब भी तो एक्सेस कर पा रहा हूँ यहाँ पर। भाई ये मैंने अपना कस्टम हुक बनाया था यूज़ प्रोडक्ट के नाम से, इसके अंदर मैं यहाँ पे यूज़ कॉन्टेक्स्ट को यूज़ करता हूँ इंटरनली, भूल गए सब भाई। कार्ट आइटम जिसको मैं यहाँ पे एक्सेस कर रहा हूँ उसको मैंने यहाँ भिजवाया ही नहीं है, भिजवाया ही नहीं है तो कैसे मिलेगा? भिजवाते ना पहले हम जो जिसको जो आप एक्सेस कर सकते हैं। नाउ लेट मी चेक, रिलोड किया भाई, 1 2 3 तीन प्रोडक्ट ऐड टू कार्ट किए, ये दिख रहे हैं जा भी रहे हैं यहाँ से। अब कार्ट पेज पे आते हैं, देखिए एक एरे आ गया मेरे पास, उसके अंदर आ गए 3 प्रोडक्ट्स, तो इसका मतलब जो कार्ट में भिजवाए वो सही तरीके से पहुँच गए हैं। बस अब क्या होगा, इसी पे लूप घुमा के प्रोडक्ट कार्ड्स दिखा देंगे जैसे हम वहाँ दिखा देते हैं। भाई मैं इसी यूआई को उठा लेता हूँ यहाँ पे लिस्टिंग वाली, ठीक है, ये कंप्लीट मैं ये उठा लेता हूँ यहाँ से, कार्ड का ही मुझे सेम ही दिखाना तकरीबन। पर फर्क ये है कि यहाँ मुझे अब लोडिंग वोडिंग का कोई ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि भाई मेरे पास कोई डेटा एपीआई से तो थोड़ी आ रहा है, तो लोडिंग दिखाऊंगा मैं, डायरेक्ट स्टेट से आ रहा है, ठीक है। अब ये मिल कहाँ रहा है मुझे, कार्ट आइटम्स के अंदर मिल रहा था, ऑल प्रोडक्ट के बजाय कार्ट आइटम्स में लूप घूम जाएगा और आपका यहाँ पे सिंपल वही सारी चीज़ें बन के आ जाएंगी। अब यहाँ पे ऐड टू कार्ट नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, रिमूव फ्रॉम कार्ट, कार्ट से रिमूव कर दो इसको, ठीक है जी। अच्छा सबसे पहले यहाँ पे रॉ उठा लेते हैं भाई, कॉलम उठा लेते हैं, खार उठा लेते हैं, कार्ड वहाँ कहाँ से आ रहा है, चेक करते हैं भाई। लोड किया, 1 प्रोडक्ट 2 प्रोडक्ट, ठीक है, कुछ ब्रेक हो गया भाई, बटन इज नॉट डिफाइंड, बाई डिफॉल्ट एम्प्टी है, मैंने 1 प्रोडक्ट 2 प्रोडक्ट ऐड कर दिए, आ गए सही है, तो 2 ऐड करें ना, तो इसलिए 2 आ गए यहाँ पे। अच्छा इससे भी कंटेनराइज हम कर देते हैं, आई थिंक अब ये लिस्टिंग कैसे दिखा रहे हैं, होम के अंदर आओ ज़रा, कंटेनर के अंदर इसको उठा के रख देते हैं यहाँ पे। ठीक है जी, कार्ड पे आता हूँ, अच्छा उठाना पड़ेगा इसको, इम्पोर्ट नहीं किया, ठीक है, होम पर आए, 1 2 2 आ गए यहाँ पर, ठीक है भाई। यहाँ पे ऐड टू कार्ड था, यहाँ पे रिमूव फ्रॉम कार्ड था, सही है जी। अच्छा अब आते हैं ज़रा उसके ऊपर, अब जब मैं ऐड टू कार्ड यहाँ कर रहा हूँ तो भाई मुझे
कोई इसको फर्दर इसका टैक्स चेंज करना है। यहाँ लिखा हुआ है प्रोडक्ट एडिट सक्सेसफुली, ताकि मुझे पता लगे मेरा प्रोडक्ट ऐड हो चुका है। अभी क्या हो रहा है, मैं टू कार्ड करते हैं पता ही नहीं है हमें, ऊपर जाके देखते हैं इससे प्रोडक्ट ऐड हुआ ही नहीं हुआ, ऐसा ही है वो कैसे करता है। देखिए मैंने इस पर क्लिक किया, अब थोड़ी सी लॉजिक है यहाँ पे, मैंने इस पर क्लिक किया एड टू कार्ड पे, अब मुझे कैसे पता लगेगा कि प्रोडक्ट एड टू कार्ड हो चुका है नहीं हो चुका। तो अगर मैं कोडिंग परस्पेक्टिव से बात करूँ, ये नहीं कोई बोलना कि भाई यहाँ से जाके देख लेंगे एड टू कार्ड हुआ नहीं हुआ। कार्ट आइटम इज वेरी गुड, कार्ट आइटम की स्टेट से पता चलेगा भाई, और वहाँ पे वो एलिमेंट गया इसका मतलब एड टू कार्ड हुआ है, नहीं गया तो नहीं हुआ। बस इस लॉजिक को पकड़ के मैं इसका टैग चेंज कर सकता हूँ। कैसे भाई, मैं आया अपने प्रोडक्ट लिस्टिंग के ऊपर, ठीक है, ये मेरा आ गया ऐड टू कार्ट का बटन, ठीक है, यहाँ मैं मंगवाऊँगा किसको, कार्ट आइटम्स की स्टेट को, ठीक है, एक एरे है। मैंने इसको यहाँ से पकड़ा, मैं कह रहा हूँ भाई कार्ट आइटम्स की एरे पे जाओ। अच्छा अब करवाते कैसे, बेसिकली आईडी से करवाएंगे, इसकी आईडी और आपके उसकी आईडी मैच होनी चाहिए, ठीक है। मैं बोलूँगा भाई कि कार्ट आइटम्स पे मैप करो, ठीक है, आपको एक सिंगल सिंगल वहाँ से क्या मिलेगा, प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक है, और एक सेकंड, हम एक काम करेंगे इसके लिए कि चले एक काम यहाँ नहीं करते वरना बहुत गंदगी हो जाएगी। ये जो मैं ऐड टू कार्ट कर रहा हूँ ना यहाँ पे, इस जगह पे मैं यहाँ पे आके एक स्टेट लेता हूँ, क्योंकि मुझे ये काम सिर्फ यहीं दिखाना है, इसी कॉम्पाउंड में करना है, इसलिए मैं, वरना आप बोलेंगे सारी स्टेट आपने कॉन्टेक्स्ट में क्यों नहीं बनाई जाएगी, क्योंकि अभी तक सारी स्टेट हम कहाँ बना रहे हैं, कॉन्टेक्स्ट के अंदर, लेकिन कॉन्टेक्स्ट के अंदर वो सामान हम रखते हैं जो हमें ग्लोबली यूज़ करना है, ये काम मुझे सिर्फ इसी कॉम्पाउंड के अंदर करना है बस, इसीलिए मैं इसको कॉन्टेक्स्ट में नहीं बनाऊंगा। अगर कॉन्टेक्स्ट में आप जाके देखें ना, स्टेट्स सारी ग्लोबल हैं, काउंट मुझे पूरी एप्लीकेशन में दिखाना है, ठीक है, लोडिंग मुझे हर जगह दिखानी है, ऑल प्रोडक्ट्स हर जगह दिखाने हैं, कार आइटम्स हर जगह चाहिए मुझे, लेकिन ये चीज़ मुझे इधर ही चाहिए बस, तो मैं बोलूँगा यहाँ, इसलिए इसको यहाँ पे ले रहा हूँ बस, ठीक है। मैंने यहाँ बोला भाई के इनिशियली फर्स्ट टाइम, वेरी फर्स्ट टाइम कोई आइटम ऐड टू कार्ट हुआ होगा क्या, अभी इस केस में नहीं होगा, तो मैं बोलूँगा कि भाई इस आइटम इन कार्ट सेट इस आइटम इन कार्ट, इनिशियली आइटम कार्ट नहीं हुआ होगा, मैं क्या बोलूँगा कि भाई अगर आइटम कार्ट में है तो टैक्स क्या दिखा दो, प्रोडक्ट एडिट सक्सेसफुली, वरना क्या दिखा दो, ऐड टू कार्ट, सिंपल। अब इसको चेंज कैसे कराएंगे, ऐड टू कार्ट मैंने क्लिक किया, ऐड टू कार्ट के ऊपर जैसे ही मैंने ऐड टू कार्ट किया, ये पूरा फंक्शन कॉल हुआ, सारा कुछ ऐड टू कार्ट वार्ड उसमें सब जैसे डाला, उसके फौरन बाद मैं यहाँ पे चेक करूँगा, एक काम करते हैं हम एक सेपरेट फंक्शन बनाते हैं, कॉन्स्ट इस आइटम ऑलरेडी कार्ट, आइटम आपका ऑलरेडी कार्ड है नहीं, इसको हम चेक कर रहे हैं, ठीक है। कैसे, मैं मुझे पता है कार्ड आइटम की सीट मुझे पता है, आप मुझे मिल जाएगी, मैंने सिंपल क्या करा, इसके ऊपर चलाया लूप, ठीक है, यहाँ मुझे एक सिंगल सिंगल क्या मिल रहा है, आइटम मिल रहा है। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, एक कंडीशन चेक कर रहा हूँ कि भाई अगर
इस आइटम की जो कार्ट आइटम में पड़ा हुआ है, याद रखिए कार्ट आइटम में बाहर जाके कर लो, ये पड़े हैं। तो मैंने कहा अगर इसकी आईडी आइटम, मसला ये है कि आइटम मेरा ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ऑब्जेक्ट के अंदर अगर मुझे सर्चिंग करवानी है तो एक सेकेंड, मैं कहूँगा भाई अगर आइटम की जो आईडी है वो बराबर है, यहाँ मुझे मेरा प्रोडक्ट मिल रहा होगा जो करंटली मैं ऐड टू कार्ट कर रहा हूँ, अगर आइटम की आईडी बराबर है प्रोडक्ट, या क्या करें, एक काम करता हूँ, जितने भी आइटम ऐड टू कार्ट पड़े हैं हम उन सबकी आईडीज़ का एक एरे मंगवा लेता, सही है, और अब जो करंट हम ऐड टू कार्ट कर रहे हैं प्रोडक्ट, अगर वो उस प्रोडक्ट की आईडी उस एरे में मौजूद हुई इसका मतलब ऐड टू कार्ट हो चुका है, वरना नहीं हो चुका है। लॉजिक देखें, लॉजिक मल्टीपल बन सकती है, ये मैंने एक अपने दिमाग से बना ली, ऐसा नहीं कि आप भी यही बनाएं, लॉजिक आप 10 बना सकते हैं और कोई इशू नहीं, टोटली फाइन, बल्कि अच्छी बात है कि आप सिर्फ एक जो मैंने ए से बी की लकीर खींच दी आप उस पर नहीं चल रहे, आपने एक सी पॉइंट बनाया आप वहाँ से घूम के आ रहे हो, तो लॉजिक कुछ भी आप बना सकते हैं, जैसे मुझे ये लॉजिक थोड़ी सही लग रही है तो मैं इसको इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ। कैसे, मुझे पता है मैप क्या करता है, एक एरे रिटर्न करता है, ठीक है, तो सबको हटा देते हैं यहाँ से, थोड़ा कोड को सिम्प्लीफाई करता है, मैंने बोला भाई क्या करो इन आइटम जो है ना मुझे इनकी आईडीज रिटर्न कर दो, ठीक है, और फिर मुझे मैप नहीं यूज़ करना पड़ता, क्या यूज़ करना पड़ेगा, फ़िल्टर, क्योंकि फ़िल्टर आपको एलिमेंट ला के देता है ना, मैप तो एरे को मॉडिफाई करता है, तो मैंने कहा भाई फ़िल्टर लगाया मैंने, मैंने कहा आइटम के सारे आइटम मुझे आईडीज ला के दे दो, अब ये मुझे कहाँ मिलेंगी, लेट कार्ट आइटम्स आईडीज, ठीक है भाई, कार्ट आइटम की आईडी मुझे मिल गई, एरे क्यों दे रहा है भाई, कुछ मिस्टेक करी है क्या, ओके ठीक है जी, सबसे पहले कार्ड पे लूप चला, सबकी आईडी निकल के यहाँ पे आ गई, अब मैं चेक कर रहा हूँ, एक काम करते पहले हम इम्प्लीमेंट करते पहले चेक कर लेते हैं कि क्या बाकी चीज़ें सही प्रॉपर आ रही ही नहीं आ रही, ठीक है जी, लोड किया मैंने पूरी एप्लीकेशन को, ठीक है हटा दो सबको यहाँ से, मैंने ऐड टू कार्ट किया, ओके कॉल तो नहीं किया फंक्शन मैंने, पहले ऐड टू कार्ट करूँगा देन उसके बाद इसको कॉल करूँगा, यहाँ पे क्या भिजवा दूँगा मैं, प्रोडक्ट, ये रिसीव क्यों नहीं हो रहा है यहाँ भाई, ओके okay, अभी इसको यूज़ नहीं किया ना मैंने, सही है, रिलोड किया, ऐड टू कार्ट किया, जैसे ही कार आइटम एम्प्टी पड़ा हुआ अभी यहाँ पे, लेकिन वो इसमें जा रहा है, देखिए मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा ना प्रीवियस वाला आ जाएगा, आ गया, बेसिकली सीट अपडेट क्या होती है, एसिंक्रोनस होती है, तो आप अगर सेकंड वाले पे क्लिक करेंगे तो फर्स्ट वाला आएगा, एसिंक्रोनस होती है, तो हमारा मतलब काम चल रहा है। अच्छा लेकिन मुझे यहाँ पे क्या हो रहा है, मुझे तो पूरा एलिमेंट मिल रहा है, भाई मैं बोलूंगा सिंपल मैप करो, सही है, देखिए फिल्टर हम जब लगाते हैं जब कोई कंडीशन होती है हमारे पास, तो मुझे किसी कंडीशनली चीज़ को फैच करना है, यहाँ कोई कंडीशन नहीं है मेरे पास, मैंने सिंपल कहा मुझे बस आईडीज़ ला के दे दो, मेरे पास कोई कंडीशन नहीं है यहाँ पे, किस कंडीशन के हिसाब से वो सारी आईडीज़ जो 5 से बड़ी हैं वो ला के दे दो, तो फिल्टर
वुड बी द बेस्ट अप्रोच, लेकिन यहाँ पे मुझे कोई कंडीशन नहीं, मुझे बस डेटा चाहिए, तो मैंने इसलिए मैप लगाना पड़ेगा, फिल्टर नहीं लगेगा यहाँ पर, और मुझे एरे में ही उनके इंडेक्सेस मिल रहे हैं यहाँ पे, तो मुझे यही चाहिए था। अब जैसे ही मुझे इंडेक्स मिला, अब मैं यहाँ करूँगा चेक कि भाई अगर ये जो अगर कार्ट आइटम जो आईडीज की एरे है इसके अंदर इंक्लूड है मेरे प्रोडक्ट की आईडी, इसका मतलब ये कार्ट हो चुका है, तो मैं क्या बोलूँगा, कार्ड को ट्रू कर दूंगा मैं, ठीक है। चेक करते हैं जरा, रिलोड किया मैंने यहाँ पे, अच्छा टैक्स चेंज नहीं हुआ, ओके एड टू कार्ड यहाँ पे काम कर रहा है, स्टेट अपडेट नहीं हो रही, ओके ये क्या हो रहा है भाई, एक दो तीन चार, शुड बी यूनिक, इस थोड़ा सा इशू को ज़रा डीबग करना पड़ेगा कि ये हमें बेसिकली मसला हो क्या रहा है, खैर इस पे ज़रा बात थोड़ी देर बाद में आते हैं, सबसे पहले अपना जो रिमूव वाला कर लेते हैं, ठीक है। या एक काम करते हैं ऐड टू कार्ट के ऊपर, ये एक अप्रोच ये कि आप कार्ड से उठा के देख ले, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो इतना फ्रीक्वेंटली नहीं हो पा रहा कि वो कार्ड में ऐड होने के बाद फैच हो रहा है, हो सकता है कि पहले फैच हो रहा हो, तो आई थिंक मुझे ये लग रहा है इशू, इसके हम अप्रोच चेंज कर लेते हैं, हम ऐड टू कार्ड के ऊपर करवा लेते हैं काम के, सही है, इसकी एक अप्रोच थोड़ी चेंज करते हैं, बजाय ये कि मैं इसको इस तरह से करूँ, मैं सिंपल यहाँ पे ऐड टू कार्ट के ऊपर आता हूँ, या अगर मैं इसकी स्टेट को यहाँ बना लूँ तो क्या होगा, काम करते हैं, जैसे ही मैंने कहा ऐड टू कार्ड मैंने किया, सेट इज आइटम इन कार्ट को हमने ट्रू कर दिया, ठीक है, बाय डिफॉल्ट सेट इन कार्ट फॉल्स था, इसको मैंने यहाँ पे ट्रू कर दिया, रिलोड किया, ओके उसको बेसिकली यूनिक नहीं मिल पा रहा, ये इशू आ रहा है, अच्छा इसके अंदर एक और काम कर सकते हैं हम, अच्छा अभी हमारे पास API में कुछ इस तरह का डेटा नहीं मिल पा रहा जिससे मैं ये चेक कर सकूँ कि
आइटम कार्ड हो चुका है नहीं हो चुका, ऐसा ही है। मैं रिस्पॉन्स को ना अपने हिसाब से मॉडिफाई कर लेता हूँ। सर आप पूरी वैल्यू को इंक्लूड में कर सकते हो किसको एरे की ऑब्जेक्ट को, एरे की वैल्यू यार? को, जैसे एक सेट कार्ड में आप स्टोर करा रहे हैं बात तो टोकन। वही है ना, मैं आईडीज मैच कर रहा हूँ या पूरा वो मैच कर रहा हूँ। अगर आईडीज मैच नहीं हुई तो वो भी मैच नहीं होगा। ट्राई करके देख सकते हैं, मसला क्या है? ट्राई कर लेते हैं। वही मेरा मसला देख रहा हूँ कि मसला इशू क्या आ रहा है, ट्राई करके देख लेते हैं। ठीक है, प्रोडक्ट मैंने डाला है यहाँ पे। मैं कह रहा हूँ भाई कार्ट आइटम्स के अंदर आओ, तुम कह रहे हो ये वाला सब हटा दूँ मैं। कार्ट आइटम जो कि एरे है उसके अंदर अगर इंक्लूड है मेरा प्रोडक्ट, ठीक है, तो सेट आइटम को ट्रू कर दो, ये कह रहे हो? एड टू कार्ड को भी रखें अंदर, एड टू कार्ड को कंडीशन में रखें, एड टू कार्ड को कंडीशन में रखें? अगर इंक्लूडेड नहीं है तो फिर एड टू कार्ड ऑन करें। पहले तो हम टैक्स पे देखेंगे ना, अभी फिलहाल टैक्स पर, तो टैक्स टैक्स के ऊपर देखना अभी तुम फिलहाल। अच्छा कार्ड में जा चुका है वो, आई थिंक ये यूनिकनेस का इशू है। किस तरह फिक्स करें इसको हम? अरे सोच के आना अप्रोच घर से, बल्कि भी तो टाइम है ना। तो बल्कि टाइम है आपके पास। देखिए इसमें एक मुझे जो अप्रोच समझ में आ रही है कि हम क्या कर सकते हैं, हम पर एक पैसा डेटा आ रहा है, हम उस डेटा के ऊपर मैप को चलाएं और उसमें एक अपने पास से एक नई फील्ड ऐड कर दें, इस कार्ट या इस कार्ट उसका क्या है, ट्रू है या फॉल्स है। ठीक है, अगर इस कार्ट फिर हम कंडीशन लगा देंगे, अगर वो ट्रू है तो ये कर दो वरना फॉल्स है तो ये कर दो। लेकिन उसमें एक इशू आ सकता है हमारे पास कि जब हम ऐड टू कार्ट कर देंगे प्रोडक्ट को, तो फिर उसके अंदर इस कार्ट की जो फील्ड है वो उसका हम क्या करेंगे, वो एक इशू आ सकता है हमारे पास। यार इसका सिनेरियो